राधे राधे दोस्तों, मैं शैलेंद्र सर, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ कटारा डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराया था, फुल सिलेबस का। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेट के बारे में। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ मैक्सिमम परसेंटेज एरर यानी लेंथ में और स्मॉल जी में आपको परसेंटेज एरर दे रखी है और आपसे बोला है कि टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर क्या होगी। तो टाइम पीरियड जो होता है बेटा सिंपल पेंडुलम का, टी बराबर होता है 2π अंडर रूट में एल अपॉन जी। अब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालते हैं टाइम पीरियड में, तो वो आएगा आपका 1/2 एल परसेंट प्लस जी परसेंट। हालांकि ये डिवाइड में आ रहा है, लेकिन हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा 1/2 साथ में 2+3, यानी फाइनल आंसर आपका आ सकता है यहाँ पर 2.5%। ओके, इतना चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड के में। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन से हम परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर परसेंटेज चेंज वाली बात करेंगे तो अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस कर देंगे और डिवाइड होने पर क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि की स्थिति में हमेशा प्लस ही करेंगे, चाहे दोनों में डिवाइड भी हो रहा हो। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है कि किसी टावर से एक बॉल को गिराया जाता है और बॉल लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर चलती है, तो टावर की हाइट बताओ। ओके, चलो बात करते हैं बेटा। सबसे पहले गिराने की बात की जाती है, ड्रॉप करने की बात की जाती है, तो वहाँ बात आती है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कैसी हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं कि लास्ट 2 सेकंड में, तो अगर लास्ट 2 सेकंड की बात करें तो टी सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, 1/2 gt², क्योंकि यू बराबर तो 0 है, एच बराबर ut प्लस 1/2 gt² से बात कर रहे हैं, माइनस। अगर हम बात करें उससे 2 सेकंड पहले की, तो क्या हो जाएगा सर, 1/2 gt - 2² और बराबर कितना दे रखा है ये आपको, 40। चलो ये 1/2 g जो है, g की वैल्यू अगर हम 10 मानते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 5 ये 5 ये, इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा सर, 8 बार कट जाएगा। चलो बात करते हैं फाइनली, यहाँ पर ये बचेगा t² - t - 2² बराबर बचा है आपका 8। इसको सॉल्व करते हैं होल स्क्वायर करके, मैथ के स्टूडेंट हैं सब लोग जानते हैं, t² से t² कट जाएगा और यहाँ पर आपका फाइनल में बात निकल के आएगी 4t - 4 = 8। यानी हम बात कर सकते हैं 4t बराबर हो जाएगा 12, जहाँ से पता चला है कि टाइम आ गया आपका 3 सेकंड, मतलब टावर से बॉल कितने सेकंड में नीचे गिरी है, 3 सेकंड में। तो हाइट पूछ रहे थे अपन से, तो h बराबर क्या हो जाएगा फिर, 1/2 gt² नहीं हो जाएगा, और 1/2 gt² में t की वैल्यू 3 रख दो, g की वैल्यू 10 रख दो, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा सर, 45 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, B4 बॉल। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपसे बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल से आधी हो जाती है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ओके, चलो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी u है तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाती है, u cos θ, और आपसे बोला गया है कि ये u cos θ इस u का आधा है, मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, u/2। u से अगर हम u को काट देते हैं तो cos θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर,
वन बाई टू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अगर वन बाई टू है तो थीटा कितना होगा, कोई भी बता देगा सर 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी u है तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, u cos थीटा। अगर इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी k है तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, k cos स्क्वायर थीटा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर p है तो हाईएस्ट पर कितनी हो जाएगी, p साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल यानी स्थितिज और गतिज का योग हमेशा नियत रहता है। दो बातें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक टोटल एनर्जी। याद रखेंगे गैलीलियो ने सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो, और अर्थ के लिए आपसे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात की गई है। चलो बात करते हैं यहाँ पर, तो बात इस प्रकार से है कि अगर टाइम पीरियड हम अर्थ का बताते हैं तो टाइम पीरियड अर्थ का कितना आता है सर, 24 घंटे आता है या नहीं। और अगर हम बात करते हैं मिनट वाली सुई के लिए तो मिनट वाली सुई के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 1 घंटे होता है। अब इस हिसाब से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें, ये अर्थ की हो गई और ये मिनट वाली सुई की हो गई, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ बटे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड बराबर हो जाएगा उल्टा इसका, यानी 1/24, ये आपका रेशियो हो जाएगा। और इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हम गलत थोड़ी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे जहां पर आपसे बोला गया है नन ऑफ दीज। तो मोस्टली एक दो क्वेश्चंस पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं जिनके आंसर नन ऑफ दीज में होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि सर इसमें से कोई होगा, अरे ज़बरदस्ती थोड़ी ना होगा, जब नहीं है ऑप्शन तो कोई बात नहीं है, नन ऑफ दीज है ना, उसे क्लिक करें, अपने आंसर पर भी कॉन्फिडेंस रखें। ओके चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगाएं। आपसे बोला गया है कि इफ एनी बॉडी, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी उस पर लगाए गए सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 है, और फोर्स कैसे हैं बेटा, नॉन लीनियर हैं, लेकिन एक ही प्लेन में है। अगर प्लेन दूसरा नहीं बताया है, एक ही तल बोला है, नहीं भी बोला है, तभी भी प्लेन कौन सा मानेंगे, एक, और एक प्लेन में कम से कम रिजल्टेंट फोर्स को नॉन लीनियर होने के लिए कम से कम 3 फोर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। चलो बात को कर भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो अगर इक्वल फोर्स होंगे तो 2 फोर्स से काम चल जाएगा, दोनों को आप पुट कर दीजिए 180 डिग्री के एंगल पर। लेकिन अगर अनइक्वल फोर्स हैं तो कितने चाहिए, 3, और अनइक्वल और नॉन प्लेनर यानी अलग अलग भी हैं और एक तल में भी नहीं है, तो कितने चाहिए, 4। तो फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार से सेट करना पड़ेगा, तीनों फोर्सेस को आप 120 डिग्री के एंगल पर पुट कर दीजिए, और उस समय आपका रिजल्टेंट कैसा आएगा, उस समय आपका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और जिसकी वजह से नेट फोर्स बॉडी पर क्या होगा, 0। अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी किस पोजीशन में बोली जाएगी, इक्विलिब्रियम में बोली जाएगी, याद रखेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, थ्योरी का क्वेश्चन है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा। तो कृपया ध्यान दें, किसी भी बॉडी को अगर हम उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से यानी साम्य अवस्था की स्थिति से डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि बॉडी की साम्य अवस्था की स्थिति में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है।
तो अगर चाहे स्प्रिंग को आप खींचें चाहे उसको कंप्रेस करें, दबाएं, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए, यानी इंक्रीज होगी। इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो बॉडी अर्थ की सरफेस पर, कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर इक्विलिब्रियम में रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। अब सरफेस से ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और स्पेस में जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए बॉडी वहां पर अनस्टेबल रहती है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जिसके बारे में एक लड़के ने बोला था कि सर ऊपर जाने पर स्मॉल जी भी तो घटता है। हाँ जी, स्मॉल जी घटता है, लेकिन स्मॉल जी में चेंज इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना के हाइट में चेंज होता है। और हमें क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वहाँ पर? माँ जी का हलवाई। अब यहाँ पर ये जी जो है ये घटेगा, लेकिन ये इतना नहीं घटेगा जितना कि एच बढ़ेगा। इसलिए किसी बॉडी को ऊपर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, याद रखेंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीन पर लगाया जाए। यहां आपसे बोला गया है कि किसी प्लैनेट के मास और रेडियस अर्थ से 8 और 2 गुने ज्यादा हैं, तो एस के वेलोसिटी क्या होगी? अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता होता है कि एस के वेलोसिटी यानी पलायन वेग वीई प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में मास, और नीचे कौन आता है बेटा? रेडियस पर। अब सो सिंपल, कोई भी कर देगा इसको। मास कितना है सर? 8 गुना है, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और रेडियस कितनी है? दुगुनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से बात करें तो 4, और 4 का रूट कितना आएगा सर? 4 का रूट 2 आएगा। मतलब इसका क्या है कि उस प्लैनेट की, उस ग्रह की जो पलायन वेग होगा वो अर्थ का दुगुना होगा, और अर्थ का कितना होता है आजकल? 11.2। तो फाइनली आंसर आ चुका है 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाया जाए। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 10 किलोग्राम की बॉडी को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसका मास कितना फील होता है? 7 किलोग्राम। यानी भाई बॉडी के वेट में चेंज हो रहा है, और बॉडी के वेट में चेंज हो रहा है तो फिर वहाँ पर बॉडी का डेंसिटी पूछी है, बॉडी की डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अच्छा वर्ड होना चाहिए यहाँ पर। ये रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए, जहाँ बोला जाता है आपसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी किसी भी वस्तु की। बेटा वो हमने आपका इसको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि वेट जो है वो किस में? एयर में, अपॉन वेट लॉस इन वाटर, यानी वेट इन एयर अप माइनस वेट इन वाटर। यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये होता है 10/10 - 7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10/3 यानी g 3.33। और यूनिट तो इसकी कुछ भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये तो रिलेटिव डेंसिटी है, और आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे आप इस बात को। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है कि 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करना चाहिए। अब हम जब थर्मोमीटर आपको पढ़ा रहे थे तो सबकी रेंज भी लिखवाई थी हमने आपको, और एक बात बता दी थी वहीं पर कि सर उसी थर्मोमीटर का यूज करेंगे जिसकी रेंज कम हो। कैसे? जैसे कि अगर दो थर्मोमीटर हमारे पास हैं जिनकी रेंज में कोई दिया गया टेम्परेचर आता है तो हम उसका यूज करेंगे जिसकी रेंज कम होती है, क्योंकि छोटी रेंज वाले थर्मोमीटर हमेशा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सुग्राही होते हैं, उनसे एरर कम होती है। ओके, चलो बात कर रहे हैं 2000 डिग्री सेल्सियस की, तो हमने आपको बताया था कि स्टीफन बाबा के लॉ पर काम करता है आपका रेडिएशन थर्मोमीटर यानी विकिरण तापमापी।
और जिसकी रेंज होती है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस को, और इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस को किससे नापा जाएगा सर, रेडिएशन वाले से नापा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपसे बोला गया है कि हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड बेटा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो बेटा हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर तब तक फ्लो होती है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। और हीट को ट्रांसफर करने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन यानी चालन तब होता है जब हम किसी बॉडी को उसके बॉडी के खुद के पार्टिकल दूसरे को हीट का ट्रांसफर करते हैं, और ये वाला जो मेथड होता है ये स्लो प्रोसेस होता है और सॉलिड में और मरकरी में यानी पारो आंटी में इससे हीट का फ्लो होता है। दूसरी बात आती है सर हमारी कन्वेक्शन की, संवहन की। तो संवहन में क्या होता है, जब जैसे हम किसी स्टोव पर पानी को गर्म करने रखते हैं तो पानी के जो नीचे के पार्टिकल हैं वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से वो पार्टिकल कहाँ जाते हैं, ऊपर, यानी नीचे जाओ हीट लो हल्के हो ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आना फ्लोटिंग करना इन चीज़ों पर डिपेंड किसकी बात से करते हैं, ग्रेविटी से, क्योंकि ना तो रेडिएशन में ग्रेविटी की कोई बात हो सकती है और ना ही आपके कंडक्शन में कोई भी प्रकार की ग्रेविटी की बात हो सकती है। तो सर फिर सीधी सी बात किस पर आती है बात, कन्वेक्शन पर, यानी संवहन जो है वहाँ हीट का ट्रांसफर ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, याद रखेंगे बेटा। यानी कंडक्शन जो होता है चालन विधि से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है सॉलिड में और मरकरी में, कन्वेक्शन से जो होता है वो लिक्विड और गैसेज में, और रेडिएशन तो एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायर्ड नहीं है और यह एक फास्ट प्रोसेस है, याद रखेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जहां आपसे कार्नो इंजन का क्वेश्चन है, एयरफोर्स का पेपर होता है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, लिखा हुआ क्वेश्चन है सीधा सीधा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, एफिशिएंसी हमेशा पूछी जाती है। एफिशिएंसी जो होती है दक्षता, ईटा बराबर T1 - T2/T1 गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से, और क्या लगा देंगे परसेंट का साइन। T1 कौन सा टेम्परेचर है, T1 है सर हमारा हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है हमको जो सोर्स का टेम्परेचर होता है, लेकिन ये सभी टेम्परेचर किस में पाए जाते हैं, केल्विन में, तो 27 में 273 जोड़ना पड़ेगा, चलो जी जोड़ लिया। T2 कितना है, -123 है डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 50%। यानी सीधी सी बात यह है कि हाई माइनस लो अपॉन हाई गुणा 100, हाई टेम्परेचर सोर्स का होता है जहाँ से हीट ली जाती है, और लो टेम्परेचर सिंक का होता है यानी वहाँ से हीट बाहर रिलीज की जाती है, मुक्त की जाती है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी, किसी बॉडी जो SHM कर रही है उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम आपको दे रखा है A = 4 cm, और बोला है कि मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर वो किसके बराबर किया गया है यहाँ पर, पोटेंशियल के। चलो पता कर लेते हैं पहले काइनेटिक होती क्या है, गतिज ऊर्जा होती है ½m⁻²A²-y², और पोटेंशियल क्या होती है ½m⁻²y²। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं, ½m⁻² से ये कट गया
और बचा आपका एक ही जगह चार रख देंगे तो 16 माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से y की वैल्यू अब तो कोई भी निकाल लेगा, y की वैल्यू आएगी 2√2 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर ए 4 अलीगढ़ इज द बेस्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है कि नाव द्वारा पानी में उत्पन्न वेव, यानी अगर कोई बोट किसी पानी की सरफेस पर प्रोपेगेट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, चल रही है, तो वेव कौन सी होंगी। तो भाई बोट तो पानी की सरफेस पर ही तो बनाएगी, और पानी की सरफेस पर कौन सी होती है, ट्रांसवर्सिव अनुप्रस्थ, और पानी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल। तो सीधी सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा पर क्वेश्चन नंबर 13 का, सो सिंपल ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी ट्रांसवर्सिव वेव हो जाएंगी। याद रखेंगे यहाँ पानी में लिख रखा है, इन वाटर लिख रखा है, लेकिन भाई नाव तो सरफेस पर ही तो चलेगी, तो वेव बनाएगी तो सरफेस पर ही तो बनाएगी, बोल नहीं रहे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को लगाइए। इसमें आपसे बोला गया है कि एसी सर्किट में पीक वैल्यू, शिखर मान और आरएमएस वैल्यू का रेशियो बताओ। तो सर जो वी नॉट बराबर होता है या वी आरएमएस के बारे में हम बात करते हैं, तो वो होता है आपका वी नॉट बाई रूट टू। ये तो आरएमएस यानी आपका वर्ग माध्य मूल मान होता है, और ये पीक वैल्यू यानी शिखर मान होता है। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई वी आरएमएस बराबर रूट टू, और इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। कृपया ध्यान दें एसी सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है या मैक्सिमम आपका जो वोल्टेज होता है उसे वी नॉट बोलते हैं, और जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। ओके, यूज ये किया जाता है और मैक्सिमम ये होता है, याद रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें आपसे बोला गया है कि रिलेशन बताना है हाफ लाइफ में और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में, यानी 6 नियतांक में। तो कोई भी बता देगा जिसने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है कि आपका जो टी हाफ होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो अगर इस प्रकार से इसको उधर ले जाते हैं तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू कैपिटल टी बराबर 0.693, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है कि प्योर इंडक्टिव यानी शुद्ध प्रेरकत्व में एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होती है, औसत शक्ति कितनी क्षय होती है बेटा। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप भूल भी गए हो, तो अगर केवल इंडक्टर होता है तो वहां पर वोल्टेज आगे होता है किससे, करंट से, और कितना आगे होता है सर, पाई बाई टू का, यानी अगर यहां आई है तो यहां कौन होगा, यहां वी होगा, और कितना एंगल होता है ये, पाई बाई टू, और यही किसकी जगह यूज होता है सर, फेस डिफरेंस यानी कलांतर की जगह यूज होता है। और सर अगर ये हमारा ये है तो फिर एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर तो कॉस फाई पर डिपेंड करती है, और कॉस फाई क्या हो जाएगा, पाई बाई टू होने पर जीरो, मतलब एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, जीरो हो जाएगी सर। तो फिर ये क्या होता है, अरे भाई ये हाफ एल आई स्क्वायर जो होती है ये पावर का लॉस तो ना होता है, ये तो इंडक्टर में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती, हाफ एल आई स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर एसी सर्किट में बात करें तो इंडक्टर कोई भी पावर का लॉस नहीं करता है, एवरेज पावर लॉस, वैसे तो पावर लॉस होती है लेकिन कंप्लीट साइकिल के बाद पावर लॉस हम नेगलेबल यानी जीरो मानते हैं। ओके चलो बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, डी हो चुका है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए नन ऑफ दीज को लगाएंगे अपन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोला गया है इसमें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरमीडिएट यानी आंतरिक जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका नेचर क्या है। तो
बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है बेटा, उसमें दो लेंस होते हैं आपके, कॉन्वेक्स यानी उत्तल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बेटा ये वाला जो होता है ये बॉडी के पास होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी इसका बोलते हैं इसे अभिदृश्यक। और बेटा ये आँख के पास होता है, क्योंकि यहाँ पर आँख होती है, तो इसे आईपीस यानी नेत्र का बोलते हैं, सीधी सी बात। तो जब बॉडी यहाँ पर अगर कोई बॉडी रखी है तो बॉडी से जो यहाँ पर लाइट वेव्स आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर एक इमेज बनाती हैं। और ये वाला इमेज क्या होता है, ए डैश बी डैश जो होता है बेटा, ये आपका होता है रियल। अरे वास्तव में नहीं काट रहे यहाँ पर, तो रियल ही तो बनेगा। जब वास्तव में काट रही हैं तो रियल ही तो बोलेंगे वास्तव को आजकल, रियल बनेगा। लेकिन नीचे की तरफ बनना है, मतलब उल्टा, उल्टा बोले तो इन्वर्टेड, और साथ में कैसा, मैग्नीफाइड। क्योंकि बेटा माइक्रोस्कोप का काम ही क्या है, बढ़ा के दिखाना, तो बढ़ा के दिखाएगा तो मैग्नीफाइड ही तो बोलेंगे उसको, आवर्धित। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इस उल्टे का ये इरेक्ट बनाता है कौन, आईपीस, जो कि हमारी आंख को दिखाई देता है। क्लियर बात बेटा। तो इसका 17 का ऑप्शन कौन सा हो चुका है, सी, आप याद रखेंगे इसको। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 के बारे में बात करते हैं। 18 क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 15 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है, तो उससे 5 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर हमारे पास ये वायर है जिसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर बात की जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। चलो जी सॉल्व कर लो, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। आई कितना है, 15, बटे 5 को चेंज कर लीजिए, 5×10⁻²। मीटर में चेंज कर लिया मैंने इसको, 5 से इसको कट कर दूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 3×3 = 6, यानी आंसर आया 6×10⁵। और किस में बेटा, टेस्ला में। और इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो D4 दिल्ली है ना, उसको लगाइए और खुश हो जाइए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 को लगाया जाए, जहाँ आपसे बोला गया है किसी धारावाही कुंडली करंट कैरिंग कॉयल में अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको रख देंगे तो वहाँ पर उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है टाओ बराबर NBIA। कृपया ध्यान दें, अगर किसी कॉयल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो कॉयल में मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वह मैग्नेटिक मूवमेंट होता है M बराबर NIA। N क्या है सर यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, I धारा, A एरिया। और जब बेटा अगर हमने ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, तो टाव बराबर तो एम भी होता है ना, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, NBIA। इसी प्रिंसिपल पर ही तो आपकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कार्य करता है, आपका चल कुंडली धारा मापी जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पर तो कार्य करता है। करंट फ्लो कराते हैं, टॉर्क उत्पन्न होता है, और टॉर्क की वजह से जो निडल होती है उसकी, निडल आगे बढ़ती है और उससे रीडिंग्स आती हैं। ओके याद रखेंगे आप। चलो जी तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आपसे बोला गया है कि यदि RL सर्किट में विभव और धारा, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 45 डिग्री है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो tan phi बराबर हमें बताया था कि सर यहाँ पर होता है XL/R। अब XL क्या है सर यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस। tan phi और phi कितना दे रखा है 45, तो tan phi कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर XL/R, यानी यहाँ से XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाएगी, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपसे बोला गया है कि अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड यानी किसी सरफेस से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, मात्रा
किस पर डिपेंड करती है? तो सर वो नेचर पर भी डिपेंड करती है, बॉडी के नेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर बॉडी स्मूथनेस पर भी डिपेंड करती है, वो उसके आपके बॉडी के नेचर पर भी डिपेंड करती है, सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करती है और उसकी स्मूथनेस पर भी डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है तो हमें इस बोर्ड का वही कलर तो दिखाई देगा जिस कलर की यहाँ से रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट करेगी यानी परावर्तित करेगी। ओके, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो चुका है इसमें डी, 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 का क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला है कि ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन कॉयल डज नॉट डिपेंड। अगर किसी कॉयल में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो सर सीधी सी बात है, पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लिया करो, जो डिपेंड वाली बात आया करें, क्योंकि वहीं पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना अपने को। चलो ई बराबर होता है वहां पर हमारा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फ्लक्स में चेंज है, ये टाइम है, एन फेरों की संख्या है। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है सर? फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है जी, कर रहा है ये रहा कैपिटल एन पर। चेंज इन फ्लक्स, हाँ जी डी फाई पर डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स में चेंज करेंगे तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना। किसी स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो फ्लक्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको पता है जैसे आपको बड़ी जो मोटर होती हैं उनमें उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। स्टार्टर क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको वो कंट्रोल कर सके। जैसे अचानक लाइट चली गई तो उस समय सप्लाई बंद हो गई, तो अब करंट में इतना चेंज होगा, जो आपकी मोटर है उसमें करंट में इतना चेंज होगा जिसकी वजह से आपका फ्लक्स इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ईएमएफ, स्ट्रॉन्ग ईएमएफ उत्पन्न हो सकता है और उस ईएमएफ को बैलेंस करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। ओके, चलो बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ रोटेशन पर। हाँ जी, घूर्णन काल पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी रॉड को या किसी भी छड़ को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो ई बराबर होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे दो। अब ओमेगा क्या है? 2π/T नहीं हो जाएगा तो टाइम पीरियड पर डिपेंड तो करता है। तो फिर सर किस पर डिपेंड नहीं करता है? रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। भाई रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ने वाला है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर? रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस से तो हम करंट निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है? कैपिटल ई अपॉन आर। ओके, याद रखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कॉइल के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पर आगे रखा है, मतलब लाइट रे उधर से ही आएंगी और जिधर से लाइट रे आती हैं उसी साइड में अगर हम जाते हैं, अपोजिट साइड में अगर हम जाते हैं तो यू बराबर कैसा होता है? माइनस में लेंगे तो -10 सेंटीमीटर हो गया। चलो पीछे, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी उधर ही जाएंगे तो उस समय आपका वी बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो पूछा क्या है? पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड पूछी है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले 1/f निकालेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस प्लस 1/10। तो यहाँ से पावर जो निकल के आएगी, पावर उसको तो बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा किस में, इसको पहले मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो 10 और 20 आपका है, ऑप्शन आ जाएगा 20 और 3 हो जाएगा, 3/20 हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलो बात करते हैं पावर की। तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए बस, उस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा वो 15 डायोप्टर निकल के आएगा। और 15 डायोप्टर चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम किस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे? डी ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले एक कॉनकेव मिरर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर इमेज प्राप्त करना है। बेटा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है,
इसका मतलब इमेज कहाँ फाइंड करना है हमको, इनफाइनाइट पर। और बेटा अगर इनफाइनाइट पर इमेज फाइंड करना होता है तो बॉडी को कहाँ रखना चाहिए, फोकस पर। और फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है बॉडी को हमें कहाँ रखना चाहिए सर, 10 सेंटीमीटर पर, यानी उसके फोकस पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इससे ऑप्शन कौन सा हो गया है, ए करेक्ट हो गया है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। आपसे बोला गया है कि अगर हम किसी रॉड से, मेटलिक रॉड से, धातु की छड़ से हीट को फ्लो कराते हैं तो हीट का फ्लो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इस बात को मैं आपको बिल्कुल इजी समझाऊंगा और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यहाँ देखते रहना है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट होता है पर सेकेंड वो डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक आपके पास गर्म चाय हो और एक आपके पास थोड़ी ठंडी चाय हो, तो सबसे पहले कौन जल्दी ठंडी होती है, गर्म चाय पहले ठंडी होती है। यानी टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए शिमला में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि जयपुर में चाय देर में ठंडी होती है, क्योंकि शिमला के सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब सीधी सी बात है, जो फ्लोइंग हीट है वो किस पर डिपेंड करती है सर, टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है, थीटा माइनस थीटा नॉट। इसके बारे में ही तो न्यूटन बाबा ने बताया था कूलिंग लॉ, कि जितनी गर्म चाय होगी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। पी रहे थे एक बार तो बता दिया। अच्छा, आपने देखा है कि अगर कप में आपकी चाय ठंडी नहीं हो रही है तो हम उसको किसी बड़े बर्तन में कटोरा टाइप में कर लेते हैं, क्योंकि कटोरा का एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ कप, और एरिया ज़्यादा होता है तो हीट का फ्लो भी ज़्यादा होता है। इसलिए किस पर और डिपेंड करती है सर, एरिया पर भी डिपेंड करती है। और तीसरी बात क्या है सर, टाइम पर। हाँ, ये रहा ना टाइम, तो टाइम पर भी डिपेंड करता है। मतलब फ्लोइंग हीट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करती है और एरिया पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, डी, यानी ऑल ऑफ दीज। इस प्रकार से वीडियो को बार बार रोककर आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं और पूरा स्कोर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपकी हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।